तो ये है दोस्तों ऊना हिमाचल इंदौर एक्सप्रेस। ऊना से आपको अम्बाला कैंट जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको आराम से जो है ऊना से ही ट्रेन मिल जाएगी डायरेक्ट उज्जैन की और मथुरा वृंदावन की। सो इस तरह का जो है इसमें स्लीपर क्लास है दोस्तों, अगर आप स्लीपर की बुकिंग करते हो तो आपको जो है इस तरह का S1 जो है मिलेगा, स्लीपर क्लास जो है आपको मिलेगा। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। सो 10 दिन पहले मैं ऊना आया था, तो ऊना वाले लोगों के, मेरे को जो आसपास के लोग हैं यहाँ के, तो उनके मेरे को मैसेजेस आए थे कि भाई हमने जो है ऊना से मथुरा वृंदावन जाना है, तो यहाँ से हमें जो है कौन सी ट्रेन जो है मिलेगी ऊना से डायरेक्ट मथुरा वृंदावन की। देखिए हमें जैसे उज्जैन जाना है तो उज्जैन के लिए हमें जो है ऊना से ट्रेन मिलेगी या हमें अम्बाला कैंट से ट्रेन लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको बताऊँ कि ऊना से आपको अम्बाला कैंट जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको आराम से जो है ऊना से ही ट्रेन मिल जाएगी डायरेक्ट उज्जैन की और मथुरा वृंदावन की। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं ऊना रेलवे स्टेशन पे आया हूँ और अभी आपको ट्रेन दिखाऊंगा जो ऊना से उज्जैन को चलती है, और वही ट्रेन जो है आपको मथुरा वृंदावन भी लेके जाएगी। सो अभी टाइम हो रहा है 1:30 दोपहर का, और वो ट्रेन आने वाली है 1:50 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। इस वीडियो को एंड तक देखें और भाई जहाँ से इस वीडियो को शेयर करें। आपको बता दोस्तों कि ये जो ट्रेन है ये चलती है हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, फ्राइडे और सैटरडे को। सो ये रही जी ट्रेन ऊना हिमाचल इंदौर एक्सप्रेस। तो ये है दोस्तों ऊना हिमाचल इंदौर एक्सप्रेस 19307 19308। तो ये है दोस्तों इंदौर ऊना हिमाचल एक्सप्रेस जो कि चलती है दोस्तों वीक में सिर्फ 2 दिन, फ्राइडे और सैटरडे को। दोस्तों ये ट्रेन चलेगी अब यहाँ से 1:50 पे, और ये कल दोपहर 12:50 पे आपको उतार देगी उज्जैन महाकाल। जय हो। तो अगर आपको जनरल में जाना हो तो इसमें जनरल भी है, ये देखिए इसमें जनरल का भी है इस तरह के दोस्तों, इसका जनरल दिखाता हूँ आपको अंदर से। सो इस तरह का कुछ इसका जनरल डब्बा है दोस्तों, बिल्कुल न्यू ट्रेन है, बिल्कुल देख सकते हो आप अंदर से। ये देखिए आपको एक बार इसका S1 दिखाता हूँ, स्लीपर क्लास कैसा है इसमें। सो इस तरह का जो है इसमें स्लीपर क्लास है दोस्तों, अगर आप स्लीपर की बुकिंग करते हो तो आपको जो है इस तरह का S1 जो है मिलेगा, स्लीपर क्लास जो है आपको मिलेगा। ये देखिए जी क्या बात है, ये देखिए जी इस तरह का टॉयलेट है, सीट भी है दोस्तों, इस तरह का टॉयलेट है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है दोस्तों। ये देखिए इस कुछ ही दिनों में मैं प्लान कर रहा हूँ एक ट्रेन जर्नी, और उसके बाद दोस्तों इस ट्रेन को जो है मैं एक्सप्लोर करूंगा। देखते हैं नेक्स्ट मंथ चलते हैं इसी ट्रेन में उज्जैन महाकाल जी के दर्शन करने, और मज़ा आ जाएगा भाई, ट्रेन बहुत अच्छी अंदर से ही है। यहाँ से अब चल पड़ेगी दोस्तों 1:50 पे, और इसके बाद ये जाएगी यहाँ से श्री अनंदपुर साहिब, चंडीगढ़, अम्बाला कैंट से जाएगी दोस्तों ये मेरठ, थोड़ा घुमा के रूट इसका मेरठ से ये है हज़रत निज़ामुद्दीन में जाएगी ये, और निज़ामुद्दीन से निकल जाएगी ये मथुरा से ग्वालियर, ग्वालियर से गुना से दोपहर को ये 12:40 पे उतार देगी आपको उज्जैन महाकाल जो स्टेशन है वहाँ पर उतार देगी आपको ये, और 3:05 पे जो है आपको उतारेगी ये इंदौर स्टेशन पर। ये देखिए तो ट्रेन ने हॉर्न मार दिया और ट्रेन चल पड़ी है जी महाकाल जी की नगरी की तरफ उज्जैन को, हर हर महादेव। क्या बात है यार, मेरा मन कर रहा है भाई जाने का, क्या बताऊँ आपको मैं। इसका जो सफ़र होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों 1350 से 1400 किलोमीटर का, जो कि ये दोस्तों ये 25 घंटे लगाएगी कवर करने में। ये देखिए